अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ में मोहम्मद उसामा गाजी। वक्त है हेडलाइंस। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि जज कानून नहीं बना सकते, लेकिन आईनी तजावुज और मनमानी के खिलाफ दीवार बन जाएं। मुल्क में जमहूरियत के अलावा कोई दूसरा निज़ाम नहीं होना चाहिए। कराची में 50 अफराद के कत्ल में मुलव्वस टारगेट किलर जावेद बुंदा गिरफ्तार। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में 7 अफराद की जिंदगी के चराग गुल। पेशावर में सिविल डिफेंस के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। इमारत मुनहदिम, कीमती सामान जल गया। सऊदी अरब ने तवानाई बहरान में मदद की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की रियाज में सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ पेशावर और मियां चन्नू में मजहबी जमातों का एहतजाज। हाफिज सईद कहते हैं हुक्मरान पार्लियामेंट की करारदादों को अहमियत नहीं दे रहे। बलूचिस्तान हुकूमत का नेटो कंटेनर्स को सिक्योरिटी फ्राहम करने से इनकार। असलम रईसानी कहते हैं ये सूबे की नहीं विफाक की जिम्मेदारी है। पाक भारत क्रिकेट टाकरा दिसंबर में होगा। इंतहा पसंद हिंदू जमातें और सुनील गवास्कर की मुखालिफत। और कैनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबर मेलबर्न पहुंच गए। शायकीन की बड़ी तादाद एक झलक देखने के लिए होटल के बाहर जमा हो गई। हेडलाइंस आपने देखी। मजीद जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।